हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल सही मौका है ये। क्यों? क्योंकि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन सिलेक्शन ने यानी कि DSSB ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं आपकी एंटिटी लेवल पर और आपके प्राइमरी लेवल पर। क्या है वो वैकेंसीज, कौन कौन फिल कर सकते हैं और कौन कौन से अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हम अपने DSSB की साइट पर हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो दिल्ली सबऑर्डिनेट यानी कि DSSB ने जो जारी करा है। तो देखिए, ये रहा हुआ आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, DSSB एग्जाम की तरफ यानी कि DSSB का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी और देख सकते हो आप 5/9/2019 यानी कि बिल्कुल आज का ही नोटिफिकेशन है। तो अगर आपका देखा जाए तो इसमें आपकी जो ओपनिंग डेट दे रखी है एप्लीकेशन की, वो है 16/9/2019। ध्यान रखिएगा, ओपनिंग डेट बोल रखी है आपकी 16 तारीख से स्टार्ट होगी है 9/2019 से, और क्लोजिंग डेट जो बोल रखी है वो 15/10/2019 को बोल रखी है। मतलब आने वाले आपको 16 तारीख से आपको वैकेंसीज ओपन देखने को मिल जाएगी और साथ साथ में क्लोजिंग उसके एक महीने बाद की है। अब ये लगा लो, अगर आपका 10वें महीने में ये क्लोजिंग हो रही है तो अगले ईयर में जाकर आपका कम से कम इसका एग्जाम होगा। अब ये पोस्ट कौन कौन सी है, तो ये तीन पोस्ट है, 15/19, 16/19 और 17/19। जो कि 15/19 की बात करें तो असिस्टेंट टीचर, जो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के, उनके लिए दे रखा है। और ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसीज निकाली गई है वो सेंट्रल की तरफ से निकाली गई है। मतलब आप किसी भी स्टेट के हो, फिल कर सकते हो, लेकिन आपका सीटेट पास होना चाहिए। क्या बोल रखा है मैंने आपको, सीटेट पास होना चाहिए। कोई अदर स्टेट का आपने टेट पास कर रखा है वो क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी यहां पर। सेंट्रल के लिए आपका हमेशा सीटेट पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास किसी भी स्टेट के हो आप और आपके पास सीटेट की क्या है, सर्टिफिकेट है पास का हो रखा, चाहे आप OBC हो, जर्नल हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास सीटेट का पास वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर स्टेट से हो, आपके सेंट्रल के पास आपका सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट बना हुआ है, तब आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। नहीं तो आप अपने स्टेट से SC OBC हो तो दिल्ली में फॉर्म तो भर सकते हो सीटेट पास होने के बाद, लेकिन आपको यहाँ पर जर्नल में काउंट किया जाएगा। ओके, तो किसी भी स्टेट के हो, फॉर्म को आप भर सकते हो, लेकिन आपके पास सीटेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। वैकेंसी की बात करी जाए तो EWS यानी कि इकोनॉमिकल जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 36 पोस्ट है। UR मतलब जर्नल के लिए 332 है, OBC के लिए 119 है, SC के लिए 115, ST के लिए 35। टोटल जो पोस्ट निकाली गई है वो प्राइमरी की 637 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से 29 जो है वो फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए हैं। ओके, दूसरी बात करें 16/19 की असिस्टेंट टीचर यानी कि जो नर्सरी के बच्चे को पढ़ाते हैं उनके लिए, तो वो आपके बात करी गई है यहाँ पर EWS यानी कि इकोनॉमिकल जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए 8 है, जर्नल के लिए 77 है, OBC के लिए 26 है, SC के लिए 21 है और आपके ST के लिए 9 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करी जाए तो 141 है और फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए 11 पोस्ट है। वहीं पर ही 17/19 की बात करी जाए, मतलब JEE सिविल्स की बात करी जाए, तो उसमें आपकी जो टोटल पोस्ट EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीक बच्चों के लिए वो 20 है, 55 जर्नल के लिए, OBC 63 है, SC 39 है, ST 27 है और टोटल आपकी 204 पोस्ट है, जिसमें से फिजिकल हैंडीकैप वालों की 8 पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर अब ये सवाल आ जाता है कि सर ये केवल प्राइमरी और उसके नर्सरी वालों के लिए हैं। बिल्कुल, आपके केवल ये प्राइमरी और नर्सरी वालों के लिए हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है यानी कि आपके पास अगर BEd है और BEd के साथ साथ में आपने सीटेट पेपर 1 वाला क्लियर कर रखा है, तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हो। आप किसी अदर स्टेट से हो, आपके पास सीटेट की पास क्वालिफिकेशन है, आप अपने स्टेट में OBC हो, SC हो, ST हो, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना हुआ है तो दिल्ली में आकर आप SC OBC रहोगे, नहीं तो आप जर्नल में काउंट किए जाओगे। कौन से स्टेट वाले भर सकते हैं, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, कोई भी बच्चा इसको फिल कर सकता है, लेकिन आपके पास सीटेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए और साथ ही साथ में आपका BEd यानी कि आपका BEd या DEd, JBT, BTC कुछ भी बोला जाता हो आपके स्टेट में, उसकी पास वाली आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, BEd वाले जब अप्लाई करेंगे तो उनको जब पास हो जाओगे उनके बाद आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है, वो करना होता है CBSE की तरफ से, वो करना पड़ेगा, तब जाकर आपको परमानेंटली जॉब मिलेगी। ओके, तो ये तो होगी पूरी की पूरी वैकेंसीज की बात कि टोटल कितनी वैकेंसीज है। देखो, टोटल आपकी प्राइमरी लेवल पर 637 है,
असिस्टेंट टीचर यानी कि जो आपके नर्सरी के होते हैं उसके लिए 141 है और जेई के लिए 204 पोस्ट है। देखी जाए तो 600 650 पोस्ट जो होती हैं देखने को तो कम लगती है, लेकिन हमें अपनी सीट पक्की करने के लिए कितने चाहिए, केवल एक सीट चाहिए। तो हमारे लिए एक ही सीट बहुत है, हमें एक सीट हमारे लिए चाहिए, हमें 600 से कोई मतलब नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि कम पोस्ट है हम नहीं फिल करेंगे। देखो नेगेटिव मार्किंग होती है, 200 नंबर का पेपर आता है और ये जो पेपर होगा आपका वो ऑनलाइन होगा। पिछली बार जो हुआ था आपका DSSSB का जो सेंट्रल की तरफ से लिया गया था वो लिया गया था ऑनलाइन और MCD की तरफ से लिया गया था ऑफलाइन। तो ये वाला जो पेपर हुआ था पिछली बार ऑनलाइन हुआ था और अब भी आपका ऑनलाइन ही होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन की बेसिस पर तैयारी कीजिएगा। अगर आज तक आपने पेपर नहीं दिया ऑनलाइन तो उसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका ऑनलाइन होगा ना वो बाकी जो SSC का एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर किसी आप पोर्शन में एक बार एंटर कर जाते हो और पूरा का पूरा आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जितने उसके क्वेश्चन दे रखे हैं और उस पोर्शन को छोड़कर आप आगे निकल गए तो दोबारा उस पोर्शन पे आ नहीं सकते हो, ये भी इसमें एक थोड़ा सा ये लोचा सा है। ओके, तो ऑनलाइन बेसिस पर आपके एग्जाम्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या है इसका पूरा का पूरा, आपका एक नए पैटर्न के साथ अब पूरी की पूरी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें इसका एग्जाम आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या होता है, हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे और किस प्रकार से आपको एग्जाम देखने को मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। बस अभी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि खुश हो जाओ, तैयार होना शुरू हो जाओ कि 16 तारीख को आपका ओपनिंग हो जाएगी प्राइमरी टीचर्स की और वैकेंसीज बिल्कुल सही है, एक सीट चाहिए, हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। और परेशान मत होइएगा कि सर हम इसी स्टेट से भर सकते हैं, इसी स्टेट से भर सकते हैं। देखो आप किसी भी स्टेट से हो आप फिल कर सकते हो, बस आपके पास सीटेट का पास होने वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जर्नल हो, OBC हो, SC हो, कोई भी हो फिल कर सकते हो, लेकिन आपके पास सेंट्रल का वो सर्टिफिकेट होगा यानी कि आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल से बना हुआ है, तब आप दिल्ली में आकर सेंट्रल के बने हुए सर्टिफिकेट के हिसाब से आप OBC SC कहलाओगे, नहीं तो आप जर्नल में काउंट होगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई से भी स्टेट के हो आप प्राइमरी और नर्सरी के पास आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास सीटेट पास है तो आप इसको फिल कर सकते हो। ओके, तो ये आपको एक खुशखबरी देनी थी, जल्द आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जहां पर आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है और किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करेंगे। ओके, तो ये थी आज की आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी जो सीटेट और यूपीटेट की हमारी तैयारी चल रही है वो यूं ही चलती रहेगी, आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कुछ करवाया है। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, यही आपको एक खुशखबरी देनी थी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपसे मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंटों को जरूर रीड आउट करता हूं और उसके रिलेटेड में आपका पॉसिबल हो सके ज्यादा से ज्यादा बच्चों की क्वेरी हुई तो वीडियो भी बनवा दूंगा उसके ऊपर। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।